वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस क्लास वी मूव ऑन अनदर टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर थ्री दैट इज कॉल्ड ग्रेट डिप्रेशन एन इकोनॉमी ग्रेट डिप्रेशन किस तरीके से आता है इकोनॉमी में उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और माइक्रो इकोनॉमी पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा था वो भी हम हाँ इसको समझेंगे जैसे मैक्रो इकोनॉमी के अंदर थोड़े चेंजेस आए और वो चेंजेस किस तरीके से आए वो भी हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट डिप्रेशन का मीनिंग क्या है ग्रेट डिप्रेशन एक तरीके से सबसे वर्स्ट कंडीशन इकोनॉमी हिस्ट्री में रही थी इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर जिसको हम रिसेशन भी कहते हैं सबसे बड़ा और ये स्टार्ट हुआ था नाइनटीन में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसका इम्पैक्ट पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पे ही पड़ा था ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी लाइक कंजम्पशन, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड इनकम एक्सचेंज एंड अदर एक्टिविटीज़ ये सारी स्लो डाउन हो गई थी स्लो डाउन इतनी हो गई थी कि रिसेशन की कंडीशन यहाँ पे इन्होंने गेट करी थी तो ये सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स में था यूनाइटेड स्टेट्स से ज़्यादा कंट्री कनेक्टेड थे इस कारण से यहाँ पे Uh, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा और इम्पैक्ट पड़ने के कारण वर्ल्ड की इकोनॉमी इसमें आ, इंक, थोड़ी इंक्लूड थी और इस कारण से वर्ल्ड की इकोनॉमी पे भी प्रभाव इसका पड़ा था सो इट ऑल स्टार्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स इट देन हैड इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ा था ड्यूरिंग द वॉर ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट इमर्ज एज अ न्यू आल्टरनेट वीट प्रोड्यूसिंग सेंटर्स स्टॉक ऑफ इनिश गुड्स बिगेन टू पैलअप बिकॉज ऑफ अंडर कंजम्पन एंड एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट रिजल्टिंग इन लो प्राइस रिज़ल्ट लो यहाँ पे इसी तरीके से वॉर के टाइम पर भी कनाडा ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट्स जितने भी थे इनका जो भी इन्वेस्टमेंट था लोगों का यहाँ पे सेक्टर्स के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा हाई था लेकिन इनको कोई आ, उस चीज़ की यहाँ पर डिमांड क्रिएट नहीं हुई थी प्रोडक्शन uh, ख़त्म हो चुका था और जब प्रोडक्शन ख़त्म हो गया था तो डिमांड फुलफिल हो भी नहीं रही थी जब डिमांड क्रिएट हो गई थी और इस कारण से इन लोगों को प्राइस इतनी लो करनी पड़ी कि डिमांड फुलफ़िल करने के लिए लेकिन एक्चुअली प्राइस लो करने से इनका प्रॉफिट यहाँ पे ख़त्म हो गया था तो इस केस के अंदर बहुत से कंट्रियों की बहुत सारी इकोनॉमी भी एक तरीके से डैमेज हो गई थी तो ये ग्रेट डिप्रेशन में सबसे बचा था ये बात सामने आई थी अब बात करते ग्रेट डिप्रेशन के अंदर कि इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ा इक और डिमांड फॉर गुड्स वॉज लो डैट प्रोड्यूस प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस रिजल्टिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा अनएम्प्लॉयमेंट अन्प्लॉयमेंट इसलिए खत्म हुआ क्योंकि डिमांड गिर गई प्रोडक्शन की जो गुड्स है प्रोडक्टिव गुड्स की डिमांड गिर गई जैसी डिमांड गिर तो प्रोडक्शन होना बंद हो गया सो द इकोनॉमी इज डिमांड फॉर गुड्स वॉज लो लो दैट प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस रिजल्टिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे उस चीज से क्रिएट हो गया द ग्रेट डिप्रेशन हैज इट्स ओन सेट ऑफ इम्प्लीकेशंस and significance in economies सेंस इट लीड्स टू कोलेब्स ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिक अप्रोच और इस तरीके से जो क्लासिकल इकोनॉमिक अप्रोच थी कि फुल इंप्लॉयमेंट वाली कंडीशन रहती है फुल इनकम हमेशा रहती है डिमांड क्रिएट रहती है ये चीज़ें खत्म हो चुकी थी और ग्रेट डिप्रेशन आने के बाद मॉडर्न इकोनॉमिक्स है वो उसका एक तरीके से उसके बारे में इंट्रोडक्शन हुआ था जो जे एम किन्स ने बताया था तो ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स का भी अजम्पन जो थे जैसे फुल इम्प्लॉयमेंट कंडीशन रहना हमेशा सप्लाई होना ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी तो क्योंकि फुल इम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुका था यू के अंदर अप्रोक्स देखा जाए तो डिप्रेशन के पहले ग्रेट डिप्रेशन के पहले पर हंड्रेड मेंबर्स में से पर हंड्रेड एम्प्लॉय में से थ्री एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयड रहते थे लेकिन जब डिप्रेशन आया तो पर हंड्रेड में से ट्वेंटी फाइव पीपल अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे गेट करा तो ये सबसे एक ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन मानी गई थी और इस वर्स्ट कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट का जो कंसेप्ट है वो क्रिएट हुआ था इसलिए इकोनॉमी के अंदर क्लासिकल अप्रोच खत्म हुई थी सो दिस फ्लो चार समराइज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन लो डिमांड ओवर इन्वेस्टमेंट लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लो लेवल ऑफ आउटपुट लो इनकम लो डिमांड दैट्स इज साइकिल ये ग्रेट डिप्रेशन का साइकिल बताता है कि गुड्स की लो डिमांड क्यों ही क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया लेकिन लो लेवल ऑफ अन लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इम्प्लॉयमेंट नहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो लो लेवल ऑफ आउटपुट होगा आउटपुट नहीं होगा तो इनकम लो लेवल होगी इनकम लो लेवल होगी तो लो डिमांड यहाँ पर रहेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ग्रेट डिप्रेशन का इंपैक्ट पड़ा था इकोनॉमी में जो सबसे वर्स्ट कंडीशन मानी गई थी दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे सेक्टर्स के बारे में मेजर सेक्टर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी थैंक यू